दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने अफ्रीका को हराकर आखिरकार वर्ल्ड कप जीत ही लिया है। वही अब भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद में इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने टीम इंडिया कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान दिए हैं, जहां इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आप भी पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार क्या कुछ कह दिया इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले, अगर आप भी भारत के वर्ल्ड कप जीतने से खुश है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आखिरकार भारत ने 17 सालों के बाद में T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा ही ली है। जी हां दोस्तों, भारत ने खेले गए फाइनल के रोमांचक मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर इतिहास रच दिया और अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीत गया। बता दें कि भारत ने पहला वर्ल्ड कप 2007 में जीता था, लेकिन अब भारत ने ये वर्ल्ड कप जीतकर 2007 को याद दिला दी है। बता दें कि इस मैच में एक समय पूरी तरह से अफ्रीका मैच को जीत चुकी थी, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने जो चमत्कार किया उसे देखकर अफ्रीका के खिलाड़ी भी हैरान रह गए। जी हाँ दोस्तों, भारत ने इस मैच में अफ्रीका को 177 रन का लक्ष्य दिया था, जो कि काफी आसान काम लग रहा था। लेकिन उसके बाद में भारत के गेंदबाजों ने इस मैच को पलट दिया और पूरी तरह से हारे हुए मैच को भारत 7 रन से जीत गया। भारत की इस जीत के कई हीरो रहे, जहां बल्लेबाजी में कोहली ने 76 और अक्षर पटेल ने 47 रन बनाए। वही गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। इसके अलावा बुमराह और अर्शदीप ने भी 2-2 विकेट लिए और भारत को वर्ल्ड कप जीता दिया। वही अब भारत के इस जीत के बाद में इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान दिए हैं। तो किसने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने कहा कि सबसे पहले तो मैं भारत को वर्ल्ड कप जीतने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। भारत की टीम ने क्या प्रदर्शन करके दिखाया है, मुझे पहले ही यकीन था कि भारत ही फाइनल जीतेगी, क्योंकि इस बार टीम इंडिया ने बेखौफ क्रिकेट खेला जिसके वजह से भारत ये वर्ल्ड को जीत पाई। भारत ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि वो एक भी मैच नहीं हारे और वर्ल्ड कप जीत गए। भारत की ये जीत पूरी तरह से कोहली और रोहित के लिए काफी स्पेशल है। जिसके बाद में जोनी बेयरस्टो ने कहा कि भारत ने दिखा दिया कि क्यों वो वर्ल्ड क्लास टीम है। भारत की पूरी टीम इस टूर्नामेंट में एकजुट होकर खेली और उसी का परिणाम भारत को मिला है। मेरे हिसाब से सूर्या ने जो मिलर का कैच, वो ही फाइनल का टर्निंग प्वाइंट था, क्योंकि मिलर अगर वहां खड़े रहते तो भारत फाइनल नहीं जीत पाती। बाकी भारत के गेंदबाजों ने जो गेंदबाजी की वो काफी लाजवाब थी। मैं भारत को जीत के लिए बधाई देना चाहता हूँ। वही सेम करण ने कहा कि भारत वेल प्लेड, क्या क्रिकेट खेला है आपने, आपने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आप एक वर्ल्ड क्लास टीम हो। खास तौर पर रोहित ने जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में भारत को मैनेज किया वो लाजवाब है। रोहित ने कप्तानी के साथ बल्लेबाजी भी काफी अच्छी की है। हमारे सामने और ऑस्ट्रेलिया के सामने तो वो अपनी भड़ास निकालने के लिए ही आए थे। रोहित की कप्तानी ने सभी टीम वालों को एकजुट करके रखा, जो कि टीम में अच्छा माहौल लाता है। वही फिर जोफ्रा आर्चर ने बात करते हुए कहा कि भारत आपको जीत की शुभकामनाएं। भारत की अगर इस जीत का किसी को क्रेडिट जाना चाहिए तो वो बुमराह को जाना चाहिए, क्योंकि बुमराह ने किसी एक मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि हर मैच में बुमराह ने भारत के लिए कंट्रीब्यूट किया है। रोहित और विराट ने भी संन्यास ले लिया है T20 फॉर्मेट से, और इससे बेस्ट समय उनके लिए क्या ही हो सकता था। अब भारत का क्रिकेट युवाओं के हाथ में है। वही इंग्लैंड के दिग्गजों के बयान का फुल वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। लेकिन आपके हिसाब से भारत की जीत का हीरो कौन है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।